मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 5 ऐसे वचन लेकर आए हैं प्रभु के। यदि आप लोग इन वचनों का रोज सोने से पहले अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके घर में कोई भी घटी कमी ना रहेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आपको हर एक दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, जादू टोने की शक्तियों से प्रभु आपको बचा कर रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको आशीष देगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सफल होगा। तो आइए हम आप लोगों के साथ इस वचन को शेयर करते हैं। आप लोग इन वचनों को जरूर सोने से पहले अंगीकार करें। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन है भजन संहिता अध्याय 128 पद संख्या 2, 3 और 4। वहाँ पे लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चिंत खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप लोग यहोवा का भय मानेंगे, वचन मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन का अंगीकार करेंगे, प्रभु के राहों पर चलेंगे, पापों से बचेंगे, अपराधों को नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी ही आशीष देगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सफल होगा। आपके बच्चे, आपके घर वाले, हर एक लोग सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपके घर में जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी काम आप करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो सारा काम सफल हो जाएगा। अपनी कमाई का फल आप खाएंगे, आप जो कमाएंगे वो खाने पाएंगे, आपकी कमाई इधर उधर नहीं लगेंगे, आप जो कमाएंगे वो आपके खाने में लगेंगे, आपके अच्छे कार्यों में लगेंगे, बीमारियों में नहीं लगेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आप लोग इन वचनों का अंगीकार जरूर करें, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें प्रभु से रोज सोने से पहले। तो चलिए दूसरे वचन को देखते हैं। दूसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 128 पद संख्या 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आप लोग डेली सोने से पहले इस वचन का अंगीकार करें कि यहोवा मेरा बल और वही मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। आप लोग इस वचन को अंगीकार करें और शैतान शर्मिंदा होगा और आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह देखने को मिलेगा, प्रभु का दया देखने को मिलेगा और आप आनंदित रहेंगे। प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपके मन की, आपके हृदय की रक्षा करेगा, आपके आत्मिक जीवन की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। वो आपको बल प्रदान करेगा हर एक चीज़ों में, हर एक चीज़ों में वो आपको बल प्रदान करेगा। आपको डर नहीं लगेगा, आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सफल होगा। तीसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 4 पद संख्या 8। वहाँ पर लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आप लोग इन वचन का अंगीकार करें, प्रभु को बोले कि प्रभु तू हमारे मनों को शांत करता है, तू हमारे मन को एकांत में शांत रखता है। मैं लेटता हूँ और सो जाता हूँ क्योंकि तू ही हमें सुरक्षित रखता है, हमें जीवित रखता है, हमें हर एक प्रकार के संकटों से, विपत्तियों से बचा के रखता है। हे यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोग इन वचनों के द्वारा धन्यवाद करें, इन वचनों का अंगीकार करें। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपको शांति देगा, आपको सुख शांति की नींद प्रदान करेगा। आप लोग इन वचनों को जरूर अंगीकार करें, प्रार्थना करें इन वचनों के द्वारा। चौथा वचन है यशाया अध्याय 54 पद संख्या 17। जितने हथियार तेरे हाने के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन आपसे बातें कर रहा है, आपको बोल रहा है कि जितने भी हथियार तेरे हाने के लिए, आपके हाने के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से प्रभु एक को भी सफल होने ना देगा। जितने भी दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, जितने भी शैतानिक आत्माएं आपके पीछे पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी आपकी हानि ना पहुंचाने पाएगा, उनमें से कोई भी दुश्मन आप पे प्रबल ना होने पाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, क्योंकि प्रभु आपकी ढाल है, वो आपकी रक्षा करता है, वही आपको सुरक्षा प्रदान करता है, वही सहायक है, वही सच्चा रखवाला है, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देता, आपको कभी भी नहीं त्यागता। वो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, आपके दाहिने, आपकी छाया बनकर। इसलिए आप कभी भी ना डरे ना तो घबराएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आपकी ढाल बनकर। आप लोग उन पर विश्वास करें और उनकी महिमा और उनकी प्रशंसा करते रहें। पांचवा वचन है गिनती अध्याय 23 पद संख्या 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, प्रभु का वचन कहता है
कि आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर कोई भी जादू टोने की शक्तियाँ असर नहीं कर सकती, कोई भी जादू टोना आपके परिवारों के ऊपर नहीं कर सकता। यदि आप लोग प्रभु में हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर कोई भी जादू टोने की शक्तियों को असर होने ना देगा। आपके ऊपर जो भी जादू टोने होगा, परमेश्वर आपके ऊपर असर ना होने देगा, उनको आपके परिवारों से, आपके जीवन से दूर ही रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आप लोग डेली अंगीकार करें, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें। आप लोग बोले कि मेरे ऊपर कोई भी जादू टोने की शक्तियाँ असर न करेगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सत्य है और वो अटल है। आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है और वो ऐसा ही करेगा कि आपके ऊपर कोई भी जादू टोने की शक्तियों को असर होने नहीं देगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई, आप लोग इन वचनों के द्वारा अंगीकार जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।